अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मानो सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह कि जैसे आप जानते हैं हज के दिन है और माशाल्लाह माशाल्लाह मैं मक्का मुकरमा में हूँ और इस टाइम हमारे होटल के नज़दीक ही ये मस्जिद थी, तो हम लोग इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं क्योंकि रास्ते बिल्कुल बंद हो गए और कल हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह मना की तरफ रवाना होंगे। माशाल्लाह ये बहुत प्यारी मस्जिद है, अज़ीज़िया में मस्जिद है ये, और हम अब कहीं भी मतलब आज हमने नमाज़ अदा की है, तो पूरे एक दिन की पांचों नमाज़ें हमने यहीं पे अदा की है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल हम रवाना हो जाएंगे अपने होटल से। और माशाल्लाह ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है, वो जेंट्स वाली साइड पे थी और हम लेडीज़ वाली साइड पे जा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ ताकि आप सब लोग भी देख सकें, क्योंकि मक्का में बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा रश है, और जो हमारा होटल है वो थोड़ा सा दूर है, तो इस वजह से पिकअप और ड्रॉप जो थी हमारी जो बस सर्विस थी वो भी बंद हो गई है, तो इस वजह से आज हम हरम में नहीं जा सके, तो इसलिए हम नमाज़ यहीं पे अदा कर रहे हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मस्जिद में भी बहुत ज़्यादा रश होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह इस मस्जिद के 4 से 5 गेट हैं और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी मस्जिद है, ये जेंट्स वाली साइड पर। माशाल्लाह माशाल्लाह ये देख रहे हैं आप रश, मतलब जो लोग हरम में जाते थे अब बस सर्विस जो उन्होंने बंद कर दिया उसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। और ये औरतों वाली साइड है, अब हम यहाँ पे इंटर होंगे और यहाँ पे वज़ू करने की भी जगह। माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है और बहुत खूबसूरत बनी है और माशाल्लाह बहुत बड़ी मस्जिद है। और माशाल्लाह माशाल्लाह आप ये देखें यहाँ पे भी माशाल्लाह से इतना ज़्यादा रश है। माशाल्लाह सुभानअल्लाह कि हरम पाक तो हरम पाक है माशाल्लाह, और मक्का पाक में जो मस्जिदें हैं वहाँ पे भी इतना ज़्यादा रश हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा हज पे बहुत ज़्यादा लोग आए हैं माशाल्लाह। अल्लाह पाक सबका कबूल करे और सबको तौफीक दे माशाल्लाह हज करने की, हज पढ़ने की। और आप सब भी दुआ कीजिए अल्लाह पाक हमें खैर खैरियत से हज को कम्प्लीट करने की तौफीक दे और हिम्मत दे। माशाल्लाह से ये देखें माशाल्लाह सुभानअल्लाह, और ये देखिए कितनी खूबसूरत मस्जिद है और इस टाइम ये फुल हो चुकी है माशाल्लाह से माशाल्लाह सुभानअल्लाह। अभी हम इशा की नमाज़ अदा करेंगे और वापस जाएंगे, और हमने इशा की नमाज़ अदा कर चुके हैं और अभी हम वापसी अपने होटल की तरफ पैदल ही जा रहे हैं। और माशाल्लाह से ये देखें सब लोग निकल रहे और जा रहे हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि हमें रिहाइश अच्छी नहीं मिलती, हमें होटल अच्छे नहीं मिलते, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये देखें हमारा खाना, हमारी रिहाइश बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें कि यहाँ पे 4500 लोग हैं इस होटल में, 4500, और माशाल्लाह से ये खाना किस तरह तकसीम कर रहे हैं, माशाल्लाह से हर चीज़ को प्रोवाइड किया जा रहा है माशाल्लाह से, और इतने अदब से, इतने प्यार से, इतने एहतराम से इनको बिठा के टेबल लगा के माशाल्लाह से आप देखें कि हर चीज़ इनको जो चाहिए हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है माशाल्लाह से। और आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना ज़्यादा रश है इनके ग्राउंड फ्लोर पे, मतलब बैठा के प्रॉपर हर चीज़ को प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह हम भी अभी लाइन में लग चुके हैं और हम ले रहे हैं खाना और आपको दिखाते हैं कि हम क्या ले रहे हैं और क्या करें। हर रोज़ मेन्यू इनका चेंज होता है और माशाल्लाह माशाल्लाह से इनकी सर्विस बहुत ज़्यादा अच्छी है माशाल्लाह से। आप ये देखें लोग कहते हैं कि हमें राइश अच्छी नहीं मिली थी, खाना अच्छा नहीं मिला था, तो मेरे दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप ये देखें। और बहुत अच्छे होटल भी हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई चीज़ में, हमारा तीनों टाइम का खाना हम यहाँ से खाते हैं, हमें प्रोवाइड किया जाता है, और माशाल्लाह से इतना टेस्टी होता है और इतना अच्छा खाना बना होता है। हमारे पाकिस्तान की टोटल मतलब जितने भी यहाँ पे खाना बनाते हैं कुक हैं माशाल्लाह से इतना अच्छा खाना बनाते हैं और सेम टेस्ट हमारे पाकिस्तान जैसा ही होता है माशाल्लाह से, और बहुत टेस्टी होता है। मैंने ऐसा खाना होटल में देखा नहीं है माशाल्लाह से। और हमें काफ़ी देर हो गई थी लाइन में लगते हुए, क्योंकि हमें पहले लाइन में लगना पड़ता है। इवन के यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब खाना ले रहे होते हैं लेकिन जो बेचारे सर्व कर रहे होते हैं और उनके साथ बदतमीजी कर रहे होते हैं, तो खुदाया आपको जब इतनी इज्जत मिल रही है, हर चीज़ प्रोवाइड की जाए, तो भाई मेहरबानी प्लीज़ ऐसा मत किया करें।
और ये देखें अभी बस थोड़ी देर तक हमारी बारी आने वाली है। और खाने के साथ साथ ये दोपहर के खाने में फ्रूट भी देते हैं माशाल्लाह से। और सबसे मेन चीज़ इनकी होटल की ये है कि आपको आप जमज़म प्रोवाइड किया जा रहा है माशाल्लाह से। आप जमज़म भी आपको मतलब जितना भी आप पिए साथ रखें लेके जाएं कुछ भी करें तो वो प्रोवाइड करते हैं इसको माशाल्लाह, पूरे होटल वालों को प्रोवाइड करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह से आप देखिए कैसे सर्व कर रहे हैं। और अब हमारी बारी आ चुकी है और हम ले रहे हैं खाना। उफ सॉरी, चलें हम आगे चलते हैं और आगे जाके देखते हैं हमें क्या मिलता है जी। तो ये देखिए डिफरेंट डिफरेंट से चीज़ें हैं, आप जो लेना चाहे जो खाना चाहे आपकी पसंद की चीज़ है कुछ भी आप पसंद का ले सकते हैं माशाल्लाह से। और सबसे मेन चीज़ है मीठे भी हमें खाना भी मिलता है माशाल्लाह से। वाह कि डिफरेंट डिफरेंट डिशें होती हैं जो मीठे भी हमें मिलती हैं और खाने भी मिलती हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। आज हमें सेवइयाँ मिली हैं तो हम टेस्ट करते हैं कैसे है। और साथ ये पानी भी हमें प्रोवाइड किया जाता है। और माशाल्लाह से आप देख रहे हैं हम खाना लेके अपने टेबल में बैठ चुके हैं। और माशाल्लाह से अपनी पसंद की आप रोटी भी चॉइस कर सकते हैं, आपने गंदम की लेनी है आप